कोरोना के बीच टिड्डियों का खतरा। हाल ही में टिड्डियों ने किया था भारत में प्रवेश। अब यूपी में हो सकती है टिड्डियों की दस्तक। सरकार ने किसानों को किया अलर्ट। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच एक बार फिर से टिड्डियों का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की सीमा को लांघकर 9 से ज्यादा टिड्डी दल राजस्थान के अलग अलग जिलों में पहुंच गए थे और अब इन टिड्डियों की यूपी के सीमा में प्रवेश करने की आशंका है। इसी बीच एक टिड्डी दल प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट की सीमाओं पर मंडराते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गया। इसको लेकर यूपी सरकार ने संबंधित विभागों को किसानों से समन्वय बनाकर खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, टिड्डियों के रायबरेली, फतेहपुर और कानपुर की ओर से लखनऊ और बाराबंकी में भी आने की आशंका के चलते विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। टिड्डियों से निपटने के लिए बनी एडवाइजरी कमेटी। टिड्डियों के खतरे को देखते हुए लखनऊ के ब्लॉकों में एडवाइजरी कमेटी बनाकर टैंकर वाले ट्रैक्टर, अग्निशमन विभाग के वाहन और कीटनाशकों को रिजर्व रखा गया है, जिसको लेकर जिला कृषि रक्षा अधिकारी धनंजय सिंह ने भी बताया कि टिड्डियों से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। साथ ही हवा के रुख पर भी नजर रखी जा रही है। झांसी में टिड्डियों को लेकर अलर्ट। पाकिस्तान की सीमा लांघकर 9 से अधिक टिड्डी दल राजस्थान के अलग अलग जिलों में पहुंच गए। इसमें जयपुर व जोधपुर में मंडरा रहे टिड्डी दल के झांसी आने की संभावनाओं को देखकर प्रशासन व कृषि विभाग अलर्ट हो गया है और हवा के रुख पर निगाहें टिका दी है। अगर हवा की दिशा नहीं बदली तो 12 किलोमीटर लंबा यह टिड्डी दल अगले 5 दिनों में झांसी आ सकता है। कितनी है भारत में टिड्डियों की प्रजाति? आमतौर पर भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। कैसे पनपती हैं टिड्डियां? भारी संख्या में टिड्डियों के पनपने का मुख्य कारण ज्यादा तापमान के चलते मौसम में आ रहा बदलाव है। विशेषज्ञों की माने तो एक मादा टिड्डी 3 बार तक अंडे देती है। ये टिड्डियां एक बार में 95 से 158 अंडे तक दे सकती हैं। टिड्डियों के एक वर्ग मीटर में 1000 अंडे हो सकते हैं। इनका जीवन काल 3 से 5 महीनों का होता है। नर टिड्डी का आकार 60 से 75 mm और मादा का 70 से 90 mm तक हो सकता है। क्या है टिड्डी दल की विशेषता? विशेषज्ञों के अनुसार टिड्डी कीट का आकार 2 से 2.5 इंच का होता है। टिड्डी दल का एक झुंड एक दिन में 200 किलोमीटर का सफर तय करता है। टिड्डी अपने वजन से अधिक खाना खाती है। यह 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखती है। यह लाखों करोड़ों के झुंड में एक साथ 3 से 5 किलोमीटर तक उड़ते हैं। कैसे करें इन टिड्डियों से बचाव? टिड्डी का दल दिखे तो ड्रम या तेज आवाज करके इन्हें भगा सकते हैं। आसमान में झुंड दिखने पर जिला कृषि अधिकारी को फोन कर सकते हैं। बागबान बाग में पानी भर सकते हैं ताकि टिड्डियां जमीन पर अंडे न दे पाए। बागबान में क्लोरोपायरीफास या डेल्टा मैथ्रीन का छिड़काव भी कर सकते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।